الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. कर सकता है आज, कर सकता है, बेहतर यह है, मतलब ये, लेकिन यह है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी प्रॉपर्टी दी है कि माँ बाप को भी हज करा सके, तो ये आपके हुस्ने सुलूक में से होगा, आपके हुस्ने सुलूक में से होगा। बल्कि एक हदीस में आता है, अंता व मालू का लिया बीक, कि तुम्हारा तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो किया था, शिकायत की थी कि मेरे बाप मतलब मुझसे मांगते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। हाँ, उसको तो जाके अल्लाह के रसूल से शिकायत की, तो आपने फरमाया अंता व मालू का लिया बीक, तुम तुम्हारा माल तो तुम्हारे बाप ही का है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हकीकत में वो अहमियत जितलाने के लिए आपने कहा था, वरना अगर ऐसे ही होता तो फिर जो हिस्सा मुकर्रर किया गया है फराइज वगैरह में कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, तो कोई माना नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ अहमियत बतलाने के लिए कहा गया है कि कितना भी मांगे तुम दे दिया करो, ये उसने श्लोक में से है। तो अगर आप ताकत रखते हैं कि माँ बाप को भी हज करा सके, तो बहुत बेहतर है, माँ बाप को हज कराएं। और अगर नहीं ताकत आप ही के लिए है तो आप कर लीजिए। ये नहीं कि अगर माँ बाप नहीं कर, जैसे आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आसानी से हज कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप को आपने हज नहीं कराया है, तो ये नहीं कि जब तक माँ बाप नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, आपके ऊपर फर्ज है, आप कर लीजिए। हाँ, कहीं पर भी, घर पे ही है, और जैसे एक ही आदमी के लिए हज करने का, तो आप कर लीजिए। ये गलत है जो कहते हैं जब तक माँ बाप ने कहा हज नहीं होगा आपका हज नहीं होगा, ये गलत है। माँ बाप पहले देखना है, नहीं ये गलत है कि माँ बाप को हज करा लें तभी आप हज करें, ये गलत है। मतलब ये बेहतर है कि आप माँ बाप को, अगर आपको इस्तेआत है, माँ बाप को पहले मुकदम करें बेहतर है, लेकिन अगर नहीं इस्तेआत है तो आप हज कर लीजिए।